नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और मैं आपके साथ करण सिंह समैन। हमारे साथ आज यहां पर रीमन नैन जी हैं, जिन पर हिसार में आपने देखा व सुना भी है, किसान आंदोलन जो चला हुआ था, प्रदर्शन जो कर रहे थे, उसके अंदर इन पर 307 धारा प्रशासन द्वारा लगाई गई थी। छोटी सी गुड़िया है, 307 लगा दी। 307 का आपको मतलब है जान से मारना, लेकिन इस गुड़िया को देखिए, ऐसा लगता है मारने वाला शायद इनके हाथों में हथियार भी ना उठे। तो इन्हीं से बात करते हैं। रीमन जी नमस्कार। जी राम राम। तो आपके ऊपर हिसार के अंदर 307 धारा लगाई गई थी और आज टोहाना के अंदर आप आए हैं, यहाँ पर भी वही माहौल है, क्या आपको डर नहीं लगता? अगर डरते तो घर से नहीं निकलते, सीधे सी बात तो ये है, क्योंकि हमारे मन में वो टीश है। जिस तरीके से अंधाता आज सड़कों पर बैठा है, खेत कमाने वाला आदमी जब सड़क पावे तो बहुत बड़ी बात है। हमारी काकी ताइया ने कदे चूल्हा पर रोटी पोके ने, वो मतलब घर की दहलीज उनने बस अपने मायका तक जान खातरे लांगी थी, अगर आज वो सड़क पर बैठी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका अनुभव और आशीर्वाद हमें ये बताता है कि पीछे किसान की पृष्ठभूमि क्या रही है और आगे क्या चलने वाली है। अगर हम डरते तो ना तो हिसार जाते, ना हम टिकरी बॉर्डर पर जाते, हम टोहाना आते, ना ही हम कहीं और जाते विरोध करने के लिए। क्या लगता है आज यहाँ पर ऐसा माहौल है, 307 पहले लग चुकी है, यहाँ पर अगर कोई धारा लगती है, घर वालों की तरफ से आपको ये नहीं कि आप लड़की हैं, आगे जाकर आपको शादी भी करनी है और आप पर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगी, क्या घर की तरफ से कोई ऐसा बातें आई आप? मैं तो मतलब घर का नहीं, तो क्या करें, संन्यास ले रखे एक तरीका है, क्योंकि मैं सिर्फ रोटी खाना रसोन खातर घर जाया करूँ हूँ, वापस दोबारा धरने पर आ जाया करूँ। रही बात डर की, तो मेरे पीछे इतने मतलब पूरे काके ताऊ हैं, मेरी काकी ताई हैं, हिसार में एक झटका में जाके यदि धारा तुड़वा सके तो टोहाना की बड़ी बात है। आज धारा ही तो तुड़वाना रहे हैं, मतलब धारा जब पूरी किसान सरदारी इकट्ठी होती है, हमारे किसान मजदूर भाई मिलकर इकट्ठे होते हैं, तो धाराएं तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती उस इंसान का। देखिए रीमन जी, बात करेंगे देवेंद्र सिंह बबली की। कल उन्होंने माता बहनों पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो आप भी एक लड़की हैं, बेटी हैं जी, तो किस प्रकार देखते हैं देवेंद्र सिंह बबली, विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए देवेंद्र सिंह बबली जो है वो बरवाड़ा हिसार एरिया का बंदा है, आपको पता भी होगा इस चीज़ का। अगर उसने उस एरिया ने उसको नहीं अपनाया, इस एरिया ने उसको अपना लिया, इन लोगों को ये नहीं पता था कि उसकी मतलब वो है क्या चीज़, उसकी जो सोच है वो गंदी राजनीति के साथ ही गंदी होती जा रही है, और उन चीज़ों का जवाब मांगने के लिए आज पूरी किसान सरदारी टोहाना में इकट्ठी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपशब्द उन्होंने यूज़ किए थे, आप भी अपनी माँ बहन को वो वीडियो नहीं सुना सकते बैठ करके, आप तो क्या कोई, मैं नहीं सुना सकती अपने घर वालों को वो वीडियो, ऐसे बेहुदे शब्दों का उन्होंने यूज़ किया है। जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांगते, आज पूरी की पूरी माँ बहनें उनसे माफ़ी मांगने के लिए खड़ी है, आ जाए भाई, या फिर अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो दोबारा उन शब्दों का प्रयोग करके दिखा दे, हम मतलब एक अच्छे तरीके से उसको जवाब देंगे, ये नहीं कि हम उसको मतलब मार देंगे, पीट देंगे, फाड़ देंगे, हम मतलब उसकी हिम्मत नहीं होगी आज हमारे सामने ऐसा कुछ बोलने की। देखिए आप लगातार लिखते आए हैं, कविताएं आपकी बहुत सारी हमें सुनी हैं, स्टेजों पर आपने बोली हैं, आप नारी शक्ति पर बोलते आए हैं, लेकिन ये आंदोलन के अंदर आना कहाँ तक उचित है, कब आपके दिमाग में आया कि आंदोलन में भी आपने जाना चाहिए? मैं आंदोलन जो भी पीछे से चले या अब से चले, मतलब मैं जाट आरक्षण का हिस्सा रही हूँ, जाट आंदोलन जब चला था 2018 में, पैदल मार्च हमने दिल्ली तक का, संसद कूच तक का किया था, उसमें भी मैं शामिल रही थी। और मैं आपको बता दूँ, कलम होती ही क्रांतिकारी है, जिसने कलम जो है वो थाम ली, वो आदमी क्रांतिकारी बन गया। क्योंकि पिछले ज़माने में जब हम जाते हैं, चाहे मैं प्रेमचंद की बात करूं, जिनके उपन्यास तक को गबन कर लिया गया था, मतलब उनको जेल तक में डाल दिया गया था, तो कलम तो होती ही क्रांतिकारी है, उसके मन में जो टीश उठती है वो उसके प्रति लिखती है। आज भी हमारे पत्रकार भाई, आप जैसे भाइयों पर FIR कर दी जाती है, फ़ोन तक छीन लिए जाते उनके ताकि सच को ना दिखा दे, और कलम हमेशा से ही सच का साथ देने के लिए बनी है, जब वो लिखती है तो भी सच लिखती है, और जब वो बोलती है तो भी वो सच बोलती है। और आंदोलन में हमें मतलब जब कदम रखा तो कलम के सहारे ही हमने कदम रखा था, कविताओं के जरिए हम आने लगे थे। वो कहते हैं ना कि कवि ने तो बोलने की टीशो है, माइक पकड़ आत्मा आज चाहे कितने देर दे रखो, तो वो उदाहरणों पर हमें वो चीज़ मिली, और आज मतलब इतना है कि बोल बोल के थक रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो कलम ने ही हमें सिखाया, क्रांति क्या चीज़ है और भ्रांति क्या चीज़ है। रीमन जी देखिए, देवेंद्र सिंह बबली माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आप भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष हैं जी, तो अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी?
जिलाध्यक्ष होने से पहले मैं एक किसान की बेटी हूँ, किसान के साथ मैं खड़ी हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और माफ़ी अगर हमारे भाइयों को हमारी बहनों को गाली दी तब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, तो ये पार्क तैयार है हमारे लिए। आज किसान के अंदर इतनी ताकत है, यहीं तवा डाल के रोटी पका के खा लेगा, चाहे उसको 7 दिन लग जाओ 10 दिन लग जाओ, बैठा रहेगा। हमारा एक धरना टिकरी पर चल रहा है, वहाँ लोग जा रहे हैं जो आस पास के, वो यहाँ आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। अब आज के दिन घर से एक एक आदमी निकला घर का, हम घर के साथ दो कर देंगे। मतलब धरना जितना चाहो आप चला सकते हो, और हम तैयार हैं उस चीज़ को चलाने के लिए। आप किसानों से, माता बहनों से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि आज घर में बैठने का समय नहीं है, आज यही इस क्रांति का हिस्सा बनिए और हक की लड़ाई को लड़िए, ताकि आने वाली जब आपकी पीढ़ियाँ हैं, जब वो आपसे पूछे कि किसान आंदोलन में आपकी क्या भागीदारी रही थी, हक की एक लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें क्या आपकी भागीदारी थी, आप प्राउड के साथ गर्व के साथ ये कह सके हाँ मेरी ये भागीदारी रही थी। आज समय घर में बैठने का नहीं है, आज समय घर से बाहर निकलने का है। धन्यवाद रीमन जी। तो दोस्तों देखा आपने, ये हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष रीमन नैन जी थी, और लगातार किसान आंदोलन में इन्होंने बताया है कि ये जाट आरक्षण का हिस्सा भी रहे हैं, और अब लगातार जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो इन्होंने क्लियर किया है, जब तक देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पर आकर माफ़ी नहीं मांगता तो ये पार्क इनके लिए तैयार है, यहाँ डटे रहेंगे। जब तक ये डटे रहते हैं तब तक आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।